झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर, मंडरेला एसएचओ समेत 3 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। हिरासत में दुष्कर्म के आरोपी की मौत के मामले में कार्रवाई। एसपी राष्ट्रीय राज वर्मा ने की कार्रवाई, हीट स्ट्रोक के कारण मौत होने का कर रही पुलिस दावा। मंडरेला एसएचओ रविंद्र सिंह को किया लाइन हाजिर। हेड कांस्टेबल धर्मपाल व कांस्टेबल मीनाक्षी भी लाइन हाजिर। इधर न्यायिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हुआ शव का पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम के बावजूद भी अभी तक शव नहीं लिया है परिजनों ने। मृतक का जीजा पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस दर्ज करने की कर रहा मांग। बुधवार दोपहर को चली गई थी कुमार गौरव शर्मा की जान। झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। झुंझुनू के मंडरेला थाने में बुधवार को पुलिस हिरासत में दुष्कर्म के आरोपी की हुई मौत के मामले में एसपी राष्ट्रीय राज वर्मा ने सख्त एक्शन लेते हुए मंडरेला एसएचओ समेत 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। एसपी राष्ट्रीय राज वर्मा ने बताया कि बुधवार को हीट स्ट्रोक के कारण दुष्कर्म के आरोपी कोटपुतली निवासी कुमार गौरव शर्मा की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस मामले को पुलिस ने अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है। वहीं मंडरेला एसएचओ रविंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल धर्मपाल तथा महिला कांस्टेबल मीनाक्षी को लाइन हाजिर किया गया है। इसके अलावा न्यायिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव का मेडिकल बोर्ड में पोस्टमार्टम करवाया गया है। इधर परिजन पोस्टमार्टम होने के बाद भी शव नहीं ले रहे हैं। मृतक के जीजा दिनेश कुमार शर्मा ने मंडरेला एसएचओ समेत 6 पुलिसकर्मियों धर्मपाल, सुबीर सिंह, अंकित, मुकेश, योगेंद्र के अलावा मामला दर्ज करवाने वाली युवती के परिवार से जुड़े 2 युवकों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने के लिए लिखित रिपोर्ट दी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 24 मई को उसके साले को पुलिसकर्मी और युवती के परिवार के 2 सदस्य हाईकोर्ट से उठाकर ले गए। पुलिस हिरासत में मारपीट की गई, मारपीट कर हत्या की गई। आपको बता दें कि 7 मई को मंडरेला थाना इलाके की रहने वाली एक युवती ने कोटपुतली के मोहल्ला बुचाहेड़ा वार्ड नंबर 17 निवासी कुमार गौरव शर्मा पर मुकदमा दर्ज करवाया था कि आरोपी ने उसे अच्छी नौकरी दिलाने के बहाने उसके साथ रेप किया। पुलिस ने इस मामले में 25 मई को कुमार गौरव शर्मा को जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 26 मई को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर वो 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। कुमार गौरव शर्मा की तबीयत खराब होने का एक सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि मंडरेला अस्पताल में कुमार गौरव को इलाज के लिए लाया गया था। फिलहाल बीडी के अस्पताल की मॉर्चरी के सामने परिवार के लोग बैठे हुए हैं। पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने तथा कुमार गौरव शर्मा की मां को सरकारी सहायता देने की मांग करते हुए शव न लेने पर अड़े हुए हैं। इससे पहले आज दिन भर बीडी के अस्पताल में पुलिस अधिकारियों और प्रशासन के साथ पीड़ित पक्ष की वार्ताओं का दौर चला। 29 तारीख को हमारे इसकी मृत्यु हो गई और हमने पोस्टमार्टम करवा लिया है, और अब उसके बाद में जो पुलिस वाले थे वो सस्पेंड होने चाहिए, और जो मृतक की माँ है वो अकेली है, उसका कोई नहीं है आगे पीछे, उसको सरकार के द्वारा विधि के द्वारा न्याय मिले और उसको कुछ जीवन यापन करने के लिए भरण पोषण के लिए कंपेंसेशन कुछ मिले, ताकि वो अपनी बची कुछ जिंदगी किसी के भरोसे ना रह के अपने गुजार ले। पोस्टमार्टम एडीजे साहब के सामने हुआ है। जी, पुलिस के साथ मुकदमा होना चाहिए, तब तक बोली नहीं लेंगे जी। हाँ, इधर झुंझुनू के मंडरेला पुलिस थाने में दुष्कर्म के आरोपी की हुई मौत के मामले में आज तीसरे दिन भी मृतक कुमार गौरव शर्मा का शव राजकीय जिला बीडी के अस्पताल की मॉर्चरी में रखा रहा। आज भी परिजनों ने कुमार गौरव शर्मा का शव नहीं लिया। हालांकि शव का पोस्टमार्टम कर न्यायिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में करवा दिया गया था, लेकिन अपनी मांगों को लेकर इधर परिजन अड़े रहे और शव नहीं लिया। इधर आज कुमार गौरव शर्मा के पक्ष में जिला मुख्यालय के ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए 5 सूत्रीय मांग की गई, जिनमें मामले में लिप्त पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार करने, मामले की जांच निष्पक्ष जांच एजेंसी से करवाने, पीड़ित परिवार को सरकार से मिलने वाले सभी लाभ दिलवाने, पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने तथा परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग की गई। ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो ना तो वो शव लेंगे और पूरे प्रदेश में आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरेंगे। आपको बता दें कि इस मामले में एसपी राष्ट्रीय राज वर्मा मंडरेला एसएचओ समेत 3 जनों को लाइन हाजिर कर चुके हैं। देखिए, जिस प्रकार से मंडरेला थाने में कोटपुतली के युवक गौरव शर्मा की
पुलिस कर्मियों के द्वारा जो बर्बरतापूर्वक अमानवीय कृत्य करते हुए और हत्या की गई है, उसकी ब्राह्मण समाज घोर निंदा करता है। आज ब्राह्मण समाज ने इसके परिवार के पालन पोषण और भरण पोषण के लिए कुछ मांगे जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से की है कि जल्द से जल्द और ब्राह्मण समाज की इन मांगों को माना जाए और जो उसकी वृद्ध माता है उसके पालन पोषण के लिए सरकार द्वारा उचित व्यवस्था की जाए ताकि उनका भी भरण पोषण हो सके। जिस प्रकार से ये बर्बरतापूर्वक कार्रवाई पुलिस कर्मियों के द्वारा की गई है, उनके ऊपर जल्द से जल्द मुकदमा चलाया जाए, उन्हें सस्पेंड किया जाए। प्रशासन ने मात्र एक लाइन हाजिर करके एक फॉर्मेलिटी का काम किया है, जो कि समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। अगर जल्द से जल्द दोषी पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, इनके परिवार के लिए उचित भरण पोषण का इंतजाम नहीं किया गया तो इसके विरोध में ब्राह्मण समाज सड़क पर उतरेगा, जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो प्रशासन की होगी।